जोरदार तालियां आशीष जी के लिए, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कई बार मैं पूछता हूं लोगों को कि रतन टाटा में, धीरूभाई अंबानी में, नारायण मूर्ति में समान क्या है, क्या चीज सेम है। कोई बोलता है फोकस, कोई बोलता है उद्योग, उद्यम। मेरा ऐसा है, सभी बड़े बने बीएससी पे लिस्ट करने के बाद। तो आपको बड़ा बनना है, बड़ा बिजनेस करना है, तो आपको लिस्ट करना पड़ेगा। लिस्ट का मतलब क्या है कि आपको बीएससी में अपने कंपनी के जो शेयर है, आपकी कंपनी नहीं है, कईयों जो है वो इंडिविजुअल चलाते होंगे खुद ही प्रोप्राइटरी बेसिस पे, कई लोग जो है वो पार्टनरशिप करते होंगे, कई लोगों को कहा होगा कि भाई एलएलपी करिए, एलएलपी अच्छा है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप करिए। लेकिन एक हद के बाहर जब आप जाते हो तो आपको पैसों की जरूरत पड़ती है, और जो बूटस्ट्रैपिंग कहते हैं, जिसको खुद के पैसे जुड़ा के जो धंधे में से पैसे मिलते हैं वो हम जोड़ते जाते हैं, मैंने भी किया है, लेकिन उसकी एक सीमा होती है। तो उसके बाद हमको बैंक के पास जाना पड़ता है, या तो दोस्तों के पास जाएंगे, तो दोस्तों के कहेंगे भाई यार 1 करोड़ रुपया दे, मेरा अच्छा धंधा हो रहा है, मुझे और ग्रो करना है, 1 करोड़ रुपया दे दे। तो दोस्त कहेगा यार मेरा तो यहाँ पे अटका हुआ है, वहाँ पे अटका हुआ है, मैंने तो ये कंपनी में शेयर लगा दे। मुझे भाई के पास जाएगा तो भाई भी कहेगा यार मेरा तो कल ही लोन लिया मैंने, अब तेरे को कहाँ से दूंगा। लेकिन वही भाई को कहेंगे, वही दोस्त को कहेंगे कि भाई मेरी तो कंपनी लिस्ट होने वाली है, उसमें आपको थोड़े शेयर लेने हैं, तो खुश हो जाएगा यार, उसका दाम बढ़ भी सकता है, और आपको तो जानते ही है कि भाई उद्यमी है, पैसे बन रहे हैं उसके, तो उसको लिक्विडिटी मिलती है। नहीं तो आप 1 करोड़ उसके ले लोगे, बाद में जब उसको चाहिए होगा तो आपके पास नहीं होंगे, आप देना चाहते हो तो भी नहीं पाते क्योंकि बिजनेस में अटके हुए हैं। तो इसी की वजह से जब आप लिस्ट करते हो तो आप कई भागीदार बनाते हो, कई भागीदार बनाते हो, और उससे छोटे छोटे पैसे लेते हो, और जब उसको बेचना होता है तो आपसे पास वापस आके नहीं लेता है, वो दूसरे किसी और को बेच देता है, और आप 1 करोड़ रुपया भी बीएससी जुटा सकते हो, आप 5 करोड़ भी जुटा सकते हो। तो एसएमई प्लेटफॉर्म है बीएससी का, और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है, उसमें छोटे जो उद्योजक है वो भी आकर के वो अपने कंपनी को, कंपनी के शेयर्स दूसरों को बेच सकते हैं, उससे जो पैसा मिलेगा उससे उसके सामने फिर आप बैंक के पास जाके और लोन ले सकते हो। बिकॉज जब आप बैंक के पास जाते हो तो बैंक कहती है कि भाई डेट इक्विटी क्या है, तो डेट इक्विटी 2:1 है, तो आप 1 करोड़ रुपया लोगों से जुड़ा रहे हो तो आप 2 करोड़ बैंक से भी लोन लेकर के 3 करोड़ रुपया आप धंधे में वापस लगा सकते हो, और वो जब उसका जो मुनाफा आएगा वो आपके जितने भी पार्टनर्स हैं उनको, उन्होंने जितना शेयर लिया हो उसके उतने हिसाब से उसके पार्टनरशिप, आपकी पार्टनरशिप में उसका हिस्सा बन जाता है। कोई जो आपको पहचानता भी नहीं है वो आपकी कंपनी में पैसा डाल रहा है, आपकी कंपनी में कभी आएगा भी नहीं, फिर भी वो पैसा इसलिए डाल रहा है कि उसको भारत पे विश्वास है, भारत की अर्थव्यवस्था पे विश्वास है, भारत के रेगुलेशंस पे विश्वास है, कि जो उसका पैसा जा रहा है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, और जो प्रॉफिट बनेगा वो आप भले कंपनी चला रहे होगे लेकिन उसके हिस्से का प्रॉफिट उसके हिस्से में आएगा। तो ये जो समाज एक दूसरे पे भरोसा करता है वही समाज समृद्ध बनता है, वो समाज वेल्थ क्रिएट करता है। तो मेरे हिसाब से आप सभी के सभी, आपको रतन टाटा बनना है, नारायण मूर्ति बनना है, अजीम प्रेमजी बनना है, सभी के सभी धीरूभाई अंबानी बनना है, तो आपको बीएससी पे लिस्ट करना पड़ेगा। तो वेट क्यों कर रहे हो, ये खत्म होते ही आप बीएससी को संपर्क करिए, ashish.chauhan@bscindia.com, और अपने आप को लिस्ट कैसे करते हैं उसकी जानकारी प्राप्त करिए। पे लिस्ट करने के लिए क्या कोई ईयर्स या टर्नओवर्स का क्राइटेरिया होता है क्या? छोटी कंपनियों को शुरू करने के लिए जो एसएमई में है, आपको 3 साल का कंपनी है तो उसमें मिनिमम 2 साल का प्रॉफिट होना चाहिए, उसके बाद आप 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ की कंपनी हो तो भी चलेगा। बट जो पूरी नई कंपनी है तो पोस्ट इश्यू कैपिटल आफ्टर आईपीओ आपका टोटल इश्यूड कैपिटल 5 करोड़ होना चाहिए। और जो आप स्टार्टअप सेगमेंट में आते हो, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया में जो भी रजिस्टर्ड है उसको हम स्टार्टअप सेगमेंट में लिस्ट करते हैं, तो उसके लिए फिर आपको 10 लाख का भी टर्नओवर है
50 लाख का भी टर्नओवर है तो भी हम स्वीकार करते हैं। एक्चुअली मैंने एज ए स्टार्टअप में अपनी कंपनी बनाई थी, लिमिटेड कंपनी, यही सोच के कि शेयर लॉन्च करूंगा अपने। मगर जब मैंने देखा कि स्टार्टअप में लिमिटेड कंपनियों को काउंट ही नहीं किया जाता, तो क्या मैं अपने शेयर एज ए स्टार्टअप में मतलब लिस्टिंग करा सकता हूँ कंपनी की? और उसमें क्या खर्चा आएगा स्टार्टिंग में अगर मैं कंपनी को करता हूँ, मिनिमम क्या खर्चा आ जाता है उसके अंदर? जो एक प्रक्रिया होती है प्रोस्पेक्टस बनाने की, उसको अप्रूव कराने की, लीगल ओपिनियन लेना पड़ता है, बाकी सब चीज़ करनी पड़ती है। उसके लिए जो मर्चेंट बैंकर होता है, इन्वेस्टमेंट बैंकर जिसको कहते हैं, वो एक पैसा चार्ज करता है। तो वही फीस जो आपने कहा, करीब 30 से 50 लाख रुपया वो शुरू में चार्ज करते हैं। उसमें से थोड़ा एक पार्ट है, आप उनको जो जेब खर्ची का पैसा है वो आप उनको रोकड़े में दे सकते हो, बाकी ये उसको कह सकते हो कि तुमको मेरे पे भरोसा है, मेरे बिजनेस में भरोसा है, इसलिए तो दूसरों को बेच रहे हो, तो मेरी शेयर कंपनी के शेयर ही तुमको देता हूँ इतने भाव के, तो तुम रख लो। तो जो टोटल कॉस्ट है इनिशियल, वो आपके पैसे आपके पास रहेंगे और उसको उसके सामने आप शेयर दे सकते हैं। मैं बिहार से हूँ, वहाँ पे मैं रिटेल चेन फार्मेसी रन कर रहा हूँ विद 57 स्टोर्स। माय एबिटा वाज अराउंड 30 CR, लास्ट ईयर इट वाज अराउंड 3 CR, दिस ईयर इट वाज अराउंड 30 CR। इज इट द राइट टाइम टू गेट इनटू लिस्टेड ऑन BSE और गेट फंड्स फ्रॉम द यू नो द गो फॉर द सीरीज ए इन्वेस्टमेंट? बहुत अच्छा सवाल है और अच्छा धंधा है भाई, तालियां। 30 करोड़ का जो एबिटा कर सकता है बिहार में, वो बहुत महान आदमी है। क्वेश्चन जो है कि मैं सीरीज ए के लिए जाऊं कि फंड एक्सचेंज में डायरेक्टली लिस्ट करूं? लिस्टिंग करोगे तो आपके जो आपका इंडिपेंडेंस बरकरार रहेगा। जब किसी से आप पैसा लेते हो जो बड़ी पार्टी से, तो आपको 50,000 चीज लिखवा लेंगे कि आप ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, और मोस्ट ऑफ देम विल ऑल्सो गिव यू मनी एज इफ इट इज अ डेट। मैंने कई लोगों को देखा है कि जो आके बोलते यार लेके मैंने गलती कर ली, कईयों को ऐसा जो आजकल न्यूज़पेपर पढ़ते तो लगता है कि हर आदमी को 1,000 करोड़ का 2,000 करोड़ का फंडिंग मिलता है, ऐसा नहीं है। वो PR का नतीजा है, पब्लिक रिलेशंस का, जिसके पास बहुत पैसे देते हैं वो न्यूज़पेपरों को बहुत पैसे देते हैं कि जिसमें छपवाते हैं। तो मेरा तो रिक्वेस्ट कईयों को रहता है कि यार वो $10 बिलियन का आदमी हो गया, जैसे कई लड़कियों को रहता है ना कि राजकुमार आएगा और मुझे ले जाएगा और मैं जिंदगी भर रानी बन के रहूंगी, तो ऐसा हर एंटरप्रेन्योर को लगता है एक इन्वेस्टर आएगा और मेरे को बिलियनर बना देगा। ऐसा कोई राजकुमार नहीं है दुनिया में, ऐसा कोई इन्वेस्टर भी नहीं है। वो डंडे मारेगा और तुम काम करोगे, तो खुद के लिए करो ना यार, लिस्टिंग करो। आप में से जिसको भी बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस बढ़ाना है या बिजनेस को एक स्केल अप ग्रोथ पे लेके जाना है, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम है आपके लिए। बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम आपकी पूरी लाइफ को बदल सकता है। आज रियल में बिजनेस की वो भगवत गीता का ज्ञान मिला जिससे हमें पता चलेगा कि कैसे बिजनेस सक्सेसफुल होगा। यहाँ पे बिलियनियर प्रोफेसर भी आ रहे हैं जहाँ से आप सीख करके अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे बढ़ा सकते हो। आपको हर चीज मार्केट में मिल सकती है, बट एक चीज जो आपको कभी नहीं मिल सकती वो है बड़ा बिजनेस के बिलियनियर प्रोफेसर। आप समझ नहीं सकते, आज मैंने 3 घंटे के अंदर अपने दिमाग का जो ढक्कन है ना वो खोल के रख लिया है बिल्कुल। बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम वो प्रोग्राम है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो लाइब्रेरी बिजनेस प्रॉब्लम है।